अधिकारियों ने मुलाकात की है और एसओजी के अधिकारियों से मुलाकात के बाद की तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से शाबाशी दी गई है, बधाई दी गई है, हौसला अफजाई की गई है, क्योंकि एसओजी की टीम की तरफ से पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, नकल गिरोह के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एसओजी की पूरी टीम को बधाई दी गई। और इस दौरान प्रदेश के डीजीपी यूआर साहू भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे, मिलने के लिए आए थे। और इस दौरान देखिए यहाँ मीडिया का जमावड़ा, न्यूज 18 की टीम भी यहाँ मौजूद है, तस्वीरें दिखाते हुए। आप देखिए, सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। एक जना पकड़ दो। चूंकि अपडेट जाहिर तौर पर दी गई होगी, जो भी अभी कार्रवाई चल रही है हम सुनने की कोशिश करेंगे जैसे ही इनकी तरफ से। शुरू करें? मैं पहले बता देता हूँ, फिर कुछ पूछना होगा पूछ लेना। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गाँव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे उसी दौरान मेरे पास फोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इंकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था वो लगातार देते रहे थे, लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था, उसी के तहत आज उनके यहाँ से संदेश आया था और पूरी एसओजी जो की टीम जो इस कार्य में लगी हुई है उनको उन्होंने बुलाया, उनका हौसला अफजाई किया है, हमारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो एसओजी को चाहिए अच्छा कार्रवाई करने के लिए वो सारे साधन संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, और जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग उनको सरकार उचित रूप से ध्यान रखेगी, उनका जो एक पारितोषिक के रूप में उनका रिकॉग्निशन करेगी और उनको आने वाले टाइम में डीजी साहब से मिलकर जो एक प्रपोजल जाएगा उस पर सरकार बहुत पॉजिटिवली विचार करेगी। उन्होंने एक एक मेंबर से परिचय लिया, उनको एक एक को एनकरेज किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और ये आह्वान किया है कि हमें लगातार काम करके जो जनता का भरोसा है उसको और कायम करना है और मजबूती से काम करना है, दिन रात लग के जो जो पेंडिंग मामले हैं और जो जो मामले खुल सकते हैं उन सबको खोलने का प्रयास करना है। सर, अभी संसाधन मांगे क्या सर आप लोगों ने कुछ और? हमने अपने जो लिमिटेशन है उससे अवगत कराया है, जब उन्होंने पूछा था कि भाई एसओजी को कोई ऐसा चीज है जो और उसके काम में मदद कर सकती है तो हमें जो उचित लगा वो हमने बताया। मेजर कार्रवाई अब तक हो चुकी है या कुछ और भी बड़े एक्शन आप लेने की? देखिए, अनुसंधान लगातार जारी है, चीजें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है, आगे जो जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं उसे आगे देखिए। सर, चालान पेश करना और जिन लोगों के एग्जीक्यूशन हो सके सजा का, वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि ऐसे में कोर्ट में ये प्ली दे दी जाती है कि पुलिस ने दबाव बना करके बयान ले लिए और एक दूसरे को जानते नहीं थे, जो डमी कैंडिडेट हैं और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इन सब चीजों को आधार बना करके बचने की गली निकाल ली जाती है। मैं तो ज्यादा आपको नहीं बोलना चाहता, बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयां ही हैं, और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई
कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में दो दो बजे तक अधिकारी बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा करें और उनको हम लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। सर लगता नहीं कि काफी लेट हो गई है पुलिस ये पेपर लीक मामले के अंदर कार्रवाई में? देखिए मैं ये इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि किसके समक्ष क्या जानकारी आई नहीं आई वो मुझे मालूम नहीं है। जब सारे आरोपी जो गैंगस्टर गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया उससे यह बात निकल के आई है और उस इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं उनको हमने FIR में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा कोर्ट कार्रवाई हमारा भी स्ट्रेटेजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना लें फिर आगे आने वाले लोगों के उनको तो मालूम है वो कहाँ जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या पेपर निरस्त करने की कोई बात हुई है कि कोई? अभी अनुसंधान पूरा होने दीजिए। सर क्या SI पेपर या SI पेपर में ही हुई है या इनसे कुछ और जो पेपर है रीट वगैरह इसमें भी कोई मामले इन्होंने बताए हैं कि संलिप्तता पाई गई? हम क्या कार्रवाई करेंगे भविष्य में ये मीडिया को डिक्लेयर करके नहीं कर सकते। गैंग एक या अलग अलग गैंग के? देखिए ये गैंग वैसे तो अलग अलग है लेकिन इनमें भी पैसे लेके इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इनके जो नीचे वाले हैं वो हो सकता है दूसरे गैंग के किसी से मिले हुए हों तो मैंने बार बार ये चीज रिपीट किया है कि ये कम्पीट भी करते हैं और मौका पाके कोऑपरेट भी करते हैं। सर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला है किसी का अन्य राज्यों का? जिसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वो SOG के हवालात में मिलेगा। सिंह साहब ACB भी जांच कर रही है RPSC को लेकर, उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है वो जांच में आपके पास? इसका जवाब तो SOG दे सकती है, ACB दे सकती है। अन्य राज्यों से कोई तार जुड़े हुए इसके? देखिए एक जो इंडिकेशन है छोटा इंडिकेशन है लेकिन एक इंडिकेशन है कि इस गैंग के कुछ लोग हैं जिनके हरियाणा में इस तरह के काम करने वालों से तालमेल है। अब उन्होंने कितना इसमें रोल प्ले किया है वो अनुसंधान का विषय है। सर पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था उससे क्या कुछ मदद मिली है SOG को? इस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद जो पब्लिक का रेस्पॉन्स है अपने SIT के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है उस पर पूरा कार्रवाई करने में हमें बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। तो SOG की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है उस पर जो जरूरी बातें थी कही गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात आज SOG की टीम ने की, इस पर भी जानकारी दी गई और बताया गया कि SOG की टीम जिस तरह से पेपर लीक माफियाओं पर नकल गिरोह पर कार्रवाई कर रही है उसकी डेवलपमेंट के लिए और टीम से मुलाकात कर उन्हें बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं मिलना चाहूंगा टीम से और आज SOG के अधिकारी पहुंचे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से और साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान बाकी लोग भी मौजूद रहे जिसमें DGP भी शामिल थे और जानकारी आपको देंगे लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। मोदी की गार